अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ अफ़गानी ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत सॉफ्ट बनती है ये ब्रेड। हम इसे ओवन में बनाएंगे, लेकिन इसका आप यकीन करें रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा जैसे आप तंदूर से लाते हैं, और इसी तरह की बनेगी तंदूर वाले स्टाइल में ये। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत मज़े की बनने वाली है ये ब्रेड। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करें। अब डो को बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमने यहाँ पर नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा लिया है, मैदा, मेल्टेड बटर, ईस्ट, शुगर और सॉल्ट। इन सब चीज़ों से हम डो रेडी करेंगे। अब सबसे पहले एक बाउल में मैं मैदा ऐड कर दूंगी, इसी में हम आटा डालेंगे, शुगर, ईस्ट और सॉल्ट। इन सब चीज़ों को पहले आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेल्ट किया हुआ बटर ऐड करेंगे। और एक स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब डो को गूंदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। ना तो बॉइलिंग वाटर होना चाहिए और ना ही रूम टेम्परेचर का। हल्का सा पानी को गर्म करके हम वो गर्म पानी से इसकी जो है डो गूंदेंगे। और पानी आप प्लीज़ स्लो स्लो करके डालेंगे इसमें, क्योंकि एकदम से पानी डालने से क्या होगा कि डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर वो कंट्रोल नहीं की जाएगी। इस तरह से देखें, इसकी डो सिर्फ हमें इतनी रखनी है जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए इसकी डो। अब हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी कि जितने भी इसमें अगर बटर के जो लम्प्स बने हुए हैं वो जो है अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाएं। ये देखें आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और आप देख सकते हैं इस वक्त कि आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट है हमारे पास। इसी तरह से हमें सॉफ्ट ही रखना है आटे को। अब आप हाथों पे या तो ऑयल लगा सकते हैं या फिर बटर लगा सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा बटर लगाकर डो के ऊपर अच्छी तरीके से बटर लगा दूंगी। और हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रखेंगे। क्लिंग रैप से मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं और डो जो है वो राइज हो गई है। ये देख सकते हैं आप, आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको क्लिंग रैप निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से डो जो है वो बहुत अच्छी राइज हो गई है। अब इस वक्त ये डो जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। मैं सिर्फ इसको एक दफ़ा मिक्स करके फ्रिज में रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसकी ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो ये हैंडल नहीं की जाएगी। तो आधा घंटा हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आप काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और जो डो हमने फ्रिज में रखी थी वो हम यहाँ पर रख के एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। अब इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें जो है आप 2 ब्रेड्स बना सकते हैं। अब एक बेकिंग पेपर लेके उसके ऊपर हम सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। हम इसे पेपर के ऊपर ही रोल करेंगे क्योंकि अदरवाइज इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से मैदा डस्ट करके मैं इस रोटी को जो है वो हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पहले प्रेस कर लूँगी। अब आप चाहें तो आप इसको हाथों की मदद से ही लेंथ में रोल कर सकते हैं, और अगर आपको ईजी लगता है तो आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें बेसिकली इसको ओवल शेप में रोल करना है। इस तरह से आराम आराम से इसे रोल करते जाएं। ये देखें इस तरह से ये कितनी अच्छी और बड़े साइज की जो है ओवल शेप में ब्रेड रेडी हुई है। अब ये मेरे पास एक बैटर बनाया हुआ है जो कि मैंने 1 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके बनाया है। इसको मैं ब्रश के साथ अच्छी तरह से रोटी पे लगा दूंगी।
कॉर्नर तक हम अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। इसके साथ क्या होगा, जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। अब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसमें निशान लगाएंगे, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं रोगनी नान में निशान होते हैं, इस तरह से आप इसमें निशान लगा लें। और अब हम इसके ऊपर वाइट सेसमी सीड और ब्लैक सेसमी सीड दोनों जो है वो थोड़े थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे। अब दोनों सीड जो है वो स्प्रिंकल कीजिएगा, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है जब कंबाइन होकर आता है तो बहुत मजे का लगता है। अब ओवन को हमने प्री हीट किया हुआ है, 180 डिग्री सेल्सियस से मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है। अब मैं इसको ओवन में रखूंगी बेक करने के लिए, तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। जी आपको दिखाती जाऊँ, 15 मिनट हो गए हैं इस ब्रेड को बेक होते हुए और ये बहुत अच्छी सी बेक हो चुकी है। अब हम सिर्फ टॉप का ग्रिल ऑन करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ग्रिल पर रखेंगे। व्यूअर्स, अफगानी ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनी है ये ब्रेड। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।